Assalamu alaikum. Welcome to Maqsad Masters class. Dear friend, this is Manzoor Hassan, your MDK English teacher. And today is the first session. And in this session, we will have an overview of MDK English portion. Basically, English portion is quite short, but it is very important. ये कहा जाता है कि जो इंग्लिश पोर्शन किसी ने मजान कहा कि जो नहीं आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन जब खाने में नमक ना हो तो आपका मजा खराब हो जाता है. सो लेट गेट स्टार्टेड कि इंग्लिश पोर्शन में क्या कुछ आ सकता है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू पीएमसी करिकुलम यू शुड बी एबल टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है. बिफोर दैट हमें यह देखना है कि कितने क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश पोर्शन में. सो वी हैव गॉट 18 एमसीक्यूज, ठीक है, 18 एमसीक्यूज आते हैं, जो कि आपके पूरे पेपर का 9% बनता है. एंड दीज 18 एमसीक्यूज मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे 2019 के पेपर में 20 एमसीक्यूज थे, 2022 के पेपर में 18 एमसीक्यूज थे. इस तरह से ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू और मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम और अकॉर्डिंग टू द पीएमसीज पॉलिसी. सो इस पर हम कुछ अभी से कह नहीं सकते, बट इट इज एक्सपेक्टेड फॉर 2023 दैट देर वुड बी 18 क्वेश्चंस. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको किन चीज़ों के लिए जज किया जाता है एमडीकेट की इंग्लिश में. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पीएमसी करिकुलम सारी चीज़ें उठाई हुई है. तो द फर्स्ट थिंग इज कंप्रहेंड की विकेबलरी, ठीक है. आपको विकेबलरी के लिए जज किया जाता है. तो की विकेबलरी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है और कैसे तैयार करनी है, बहुत सारी चीज़ें. सेकेंड पॉइंट इज डिमॉन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. पहली बात ये हो गई कि आप लोगों को जज किया जाएगा कि आपकी विकेबलरी कैसी है. सेकंड थिंग इज आपको टेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से आपको जज किया जाएगा. थर्ड थिंग इज डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन करेक्ट इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. कुछ जुमले दिए होते हैं, कुछ समटाइम सही होता है, समटाइम गलत होता है. एंड यू हैव टू जज कि विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट. Or if there are errors, you should be able to highlight or find out the errors and rectify them. तो इसके लिए आपको judge किया जाता है. Use of writing conventions. जो writing conventions होती है उसके बारे में भी आपको judge किया जाता है. जैसे spelling mistakes आपसे पूछा जाएगा, capitalization है, punctuation है. All these things are judged in the paper. तो आपको हर हवाले से, especially grammar के हवाले से, you should be perfect in things. ठीक है. The fourth point is demonstrate correct use of subject verb agreement. ये बहुत important चीज़ है, right? इसमें बहुत सारे questions आते हैं subject verb agreement में. And article and preposition, इनके आपस में relations के हवाले से, यानी demonstrate the correct use of subject verb agreement, articles and prepositions, ये अलग अलग topics हो गए. तो इस हवाले से आपको judge किया जाएगा आपके paper में. So you should be able to answer everything correctly so that you could be the future doctors, right? So the fifth point is demonstrate ability to identify mistakes in sentences or short written text. कुछ जुमले दिए हुए होंगे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? You have to identify the errors and then select the right option according to the instruction of the sentence, right? फिर कहते हैं these errors could be of inappropriate word order. Sometime word order change क्या होता है, sometime उसी में वोकैबुलरी भी पूछी जा सकती है, राइट? सेम वर्ड्स भी लिखी जा सकती है. देर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो हम इंशाल्लाह इन द डाउन टॉपिक्स, राइट, वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल, राइट? एंड द सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, जो कि आपको पीएमसी ने कहा हुआ है कि इस एरिया में आपको जज किया जाएगा ताकि आप फ्यूचर डॉक्टर बन सके, राइट? उसके लिए कहा हुआ है कि डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू कम्प्रहेंड शॉर्ट रिटन टेक्स्ट, यानी रीडिंग कम्प्रहेंशन का एक पोर्शन आता है. And you have to select the appropriate answers or the responses from the given questions at the end of that particular passage. ठीक हो गया. अब उसके बाद हमें ये देखना है कि आपको जो है ना, किस तरह से हम, यानी मकसद पे हम आपको किस तरह से गाइड करेंगे कि आप बेहतरीन तरीके से आप तैयारी हो और आप जाके बेहतरीन मार्क्स करें, हासिल करें, और साथ साथ यू शुड बी एबल टू बिकम द फ्यूचर डॉक्टर्स, राइट? नाउ व्हाट टॉपिक्स should you be good at, यानी आपको किन टॉपिक्स में माहिर होना चाहिए. जैसे ऊपर उनका डिमांड तो आपने देख लिया कि इन इन एरियाज में आपको जज किया जाएगा. तो इन एरियाज को, चूंकि एज यू नो कि ग्रामर वास्ट टॉपिक है एंड देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन ग्रामर दैट यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन, बट यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम टू कवर एवरीथिंग. तो हम किस तरह से
इस तरह से कोई शॉर्टकट ढूंढें या कुछ खास टॉपिक कवर करें जिससे आपके लिए डायरेक्टली जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, राइट। उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं जो कि हमने यहाँ मकसद ऐप पे आपको एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिलेगा और इंशाल्लाह मकसद आपका हल हो जाएगा, राइट। सो व्हाट टॉपिक शुड यू बी गुड एट, उसमें कहा जाता है कि सबसे पहली चीज़ दैट इज़ वोकैबुलरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ग्रिप ऑन द वोकैबुलरीज व्हिच आर गोना बी आस्क्ड इन योर पेपर, राइट। कहते हैं हाई, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो भी मैंने पीएमसी के अकॉर्डिंगली लिया हुआ है, यानी हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स फ्रॉम द कोर्स बुक, आप कोर्स बुक से भी आ सकते हैं, टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, या नहीं तो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट हो सकते, यानी आपका लेवल इंटरमीडिएट का है तो उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, यानी वोकैबुलरी के हवाले से, यह आपके बुक से भी आ सकता है और आउट ऑफ द बुक भी आ सकता है, और ये एक्सेसिबल, या अगर आप जो है ना CIE स्टूडेंट्स है तो वहाँ से भी अकॉर्डिंग टू दिस लेवल दीज वोकैबुलरीज आर सेलेक्टेड फॉर मेकिंग योर क्वेश्चन पेपर, राइट। तो हम मकसद में यानी यहाँ पर हम आपको किस तरह से गाइड करेंगे, वोकैबुलरी को कैसे इन्हेंस करना है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया। बेसिकली टुडे दिस सेशन इज जस्ट इन ओवरव्यू, हम आपको कुछ सिखा नहीं रहे आज, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि अपकमिंग सेशन में हम आपको क्या कुछ सिखाने वाले हैं, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज वोकैबुलरी को अगर हम आपको यहाँ पर कैसे इन्हेंस करना सिखाएंगे, द फर्स्ट थिंग इज कंटेक्चुअली यू शुड नो कि एक जुमले में अगर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ हुआ है तो वो किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, उसका कंटेक्स्ट क्या है। तो कंटेक्चुअली वर्ड को जज करना हम आपको सिखाएंगे वोकैबुलरी के पोर्शन में, दैट वुड बी द सेकंड सेशन, सेकंड लाइव सेशन, राइट। तो उसमें हम आपको फुली वोकैबुलरी पे ही पूरा सेशन करेंगे, उसमें हम सिखाएंगे कि ये सारे टिप्स या ट्रिक्स कैसे यूज करके आप बेहतरीन तरीके से वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकते हैं। सो हियर ओनली द पॉइंट्स आर हियर, तो चूंकि ओवरव्यू है सो ओवरव्यू में हम बहुत सारी चीज़ें सिखा नहीं सकते हैं, जस्ट टू टेल यू कि वट आर वी गोइंग टू डू इन द अपकमिंग सेशंस। तो आप वोकैबुलरी को इम्प्रूव कैसे करेंगे, कॉन्टेक्स्टुअली, ठीक है। फिर क्या आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, और सिनोनिम्स के साथ साथ यहाँ पर मैं एक चीज़ एडिशनली कहना चाहूँगा कि आप एंटोनिम्स को भी साथ साथ देखेंगे तो आपके लिए सिनोनिम ढूंढने में आसानी होगी। आप सिंपली सिनोनिम पे जाएंगे तो फिर वो एंटोनिम के पोर्शन से कोई चीज़ उठा के सिनोनिम बना के अगर आपको दे दें तो देयर यू आर गोइंग टू स्टक। सो आई डोंट वॉन्ट एनी स्टूडेंट टू बी गेटिंग स्टक एनीवेयर इन द टेस्ट। तो आपको क्या करना है, सेफ साइड पर रहने के लिए आपको एंटोनिम को भी देखना चाहिए ताकि आसानी हो, राइट। सो हेयर वी हैव गॉट कंटेक्चुअल मीनिंग हम ढूंढने की कोशिश करेंगे वोकैबुलरी का, फिर सिनोनिम्स को हम देखेंगे ओवर हियर, राइट। एंड द थर्ड थिंग हम एंटोनिम्स को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग सेशंस। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है मोस्टली ना एनालॉजी का, यानी सेम पेयर दिए हुए होते हैं और कहते हैं कि नीचे से भी इस तरह के कोई सेलेक्ट करें, एनालॉजी यानी रिलेशनल मीनिंग की बात करते हैं, सो हम उसके भी हम यहाँ पर इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। उसके बाद आता है प्रायर नॉलेज, यानी आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पे ही जज किया जाता है, यानी इंटरमीडिएट लेवल का आउट ऑफ कोर्स भी क्वेश्चन यानी वोकैबुलरी आ सकते हैं, दैट इज़ व्हाट दे आर जजिंग यू फ्रॉम योर प्रायर नॉलेज ऑफ ऑल दोज बुक्स, ठीक है, विच यू हैव स्टडीड इन इंटरमीडिएट। उसके बाद वर्ड रिलेशन है, फिर सिंगुलर प्लुरल है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, फिर आपके पास स्पेलिंग है, इन सारे एरियाज में आपके वोकैबुलरी को जज किया जा सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको माउस का जो है ना प्लुरल पूछा जा सकता है, इफ़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट स्पेलिंग तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं, राइट। इस तरह से ग्रामेटिकल कन्वर्जन है, यानी एक नाउन है तो उसको वर्ब कैसे बनाया जा सकता है, वर्ब है तो उसको एडजेक्टिव कैसे बनाया, दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल आल्सो बी आस्क्ड इन योर, चूंकि क्वेश्चन बनता है किस तरह से, अगर आप इसको और से देखेंगे, मैं इस सेशन के एंड पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने लगा हूँ। बेसिकली अगर आप देखें तो ग्रामर है क्या चीज़, हार्ड या नाउन हमारे पास वर्ड्स है यानी पार्ट ऑफ स्पीच है, उसी को ही बढ़ा के बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई है, तो इन चीज़ों को मिक्स करके कन्फ्यूज़ किया जाता है, एंड दैट्स वट यू डू नॉट हैव टू बी, राइट। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, सो ग्रामेटिकल कन्वर्जन ऑफ वर्ड्स है। एडिशनली हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और सिखाने लगे हैं, दैट इज़ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या है, कंपाउंडिंग किसे कहते हैं, यानी कन्वर्जन क्या है, फिक्सेशन क्या है, इन्फ्लेक्शन क्या है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, जो टर्मिनोलॉजीज है जिसको मैं आसान कर दूं तो जो है ना, यानी दो लफ्ज मिला के एक वर्ड बना हुआ होता है, जैसे कंपाउंडिंग है, जैसे ब्रेकफास्ट है, एक ब्रेक है दूसरा फास्ट, इन दोनों को मिला के क्या बना हुआ है, ब्रेकफास्ट है। इस तरह के जो वर्ड्स बनते हैं यानी कंपाउंडिंग के जरिए यानी कन्वर्जन के जरिए, जैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक वर्ड को, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ब्यूटी है तो हम उसको ब्यूटिफिकेशन करते हैं, या उसी ब्यूटिफिकेशन को हम लोग ब्यूटिफाई करके वर्ड बनाते हैं, तो इससे कन्वर्ट करते हैं वर्ड को, वर्ड से नाउन में, नाउन से वर्ड में, इस तरह के। फिर एफिक्सेशन, एज यू नो एफिक्सेशन में प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स और आते हैं, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग हो जाए, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स टू ऐड विद दीज थिंग्स फॉर इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास वोकैबुलरी का पोर्शन। उसके फौरन बाद द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़
there for you in RAP is preposition. Preposition के हवाले से बहुत confusion है, teaching के हवाले से articles and preposition, these two things are so confusing in English, आपको बहुत ज़्यादा practice करने की भी ज़रूरत है, right? तो हम preposition को हम यहाँ पर in detail, आपके पास bundle में हर चीज़ मिल भी जाएगा, और इस live session में भी, in the third session, we are going to discuss prepositions, right? उसमें हम लोग preposition application क्या है, time क्या है, और movement क्या है, इसके बारे में भी in detail discussion करेंगे, बल्कि हम साथ साथ यहाँ पर जो आप वर्कशीट भी देखिए ठीक ठाक प्रैक्टिस कराएंगे. सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, बट स्टे ट्यून्ड एंड यू हैव टू नो हाउ टू बिकम द फ्यूचर डॉक्टर, राइट. उसके बाद द थर्ड थिंग इज आर्टिकल्स. आर्टिकल हमारे पास एज यू नो दो तरह के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, ठीक है ना. तो आर्टिकल का इस्तेमाल, उसके रूल्स, उसको हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, यानी कैसे हम अपने आर्टिकल के यूसेज को सही कर सकते हैं, इस हवाले से आपको बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, लेकिन वो आपके लिए अगले सेशन में होगा, राइट. इट्स एन ओवरव्यू, सो हम सिंपली आपको तारुफ करा रहे हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं, राइट. इस पूरे सेशन में हम सिंपली आपको बता रहे हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द अपकमिंग सेशन. सो आर्टिकल को हम डिस्कस करने लगे हैं. उसके फौरन बाद पंक्चुएशन, अनदर कंफ्यूजिंग टॉपिक. मोस्टली पीपल गेट स्टक व्हाइल पंक्चुएटिंग थिंग्स, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा होता कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो अगर उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करें तो क्या होगा, इस तरह के कन्फ्यूजन से, राइट. जैसे हमारे पास पैरेंथीसिस है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, उसके अलावा एलिप्सिस है, देर आर यू नो अ ब्रैकेट है, कॉमा है, कॉलन, सेमी कॉलन, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट. इन सब का इस्तेमाल भी हम आपको सिखाने वाले हैं इन अ डिटेल वे इन अ डिफरेंट सेशन, ठीक है. तो यहाँ पर हमें कैपिटलाइजेशन भी, मैं कोशिश करूँगा आपको पंक्चुएशन के दरमियान ही कैपिटलाइजेशन को भी सिखाया जाए, ताकि आप स्ट्रॉन्ग हो जाए इस पोर्शन में भी, राइट. If you have any query, you can ask as well, okay? आप हमारे Facebook page को follow भी कर सकते हैं. You can subscribe our YouTube channel as well, so that you could be getting everything there, ताकि आपसे कोई चीज़ miss ना हो, ठीक है? So let's get on. अब क्या, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? Capitalization है, apostrophe है, colon है, as I said कि ये सारी चीज़ें हम देखेंगे punctuation mark के session में, right? उसके बाद interesting thing हमारे पास है, जो कि यानी हम जो ऊपर के टॉपिक्स हमने आपसे डिस्कस किया है ना, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने ये चीज़ें बनाई हुई है, ताकि आप एग्जैक्टली प्रिपेयर हो सके कि आपको जो कुछ भी पूछा जाए, यू शुड बी एबल टू आंसर एवरीथिंग देयर, ताकि आपको कन्फ्यूजन कहीं भी ना रहे. उसके लिए मैंने यहाँ पे टॉपिक रखा है एक और सेशन के लिए, दैट इज टेंसेस. उसी टेंसेस में हम कोशिश करेंगे कंडीशनल्स को भी साथ पढ़ाएं, ताकि आपको टेंसेस के यूसेज, बेसिकली टेंसेस क्या है, टेंसेस जो ही आप सीखते हैं तो उसका सेकंड स्टेप होता है कि उसी को मिला के, यानी दो टेंस को मिला के हम कंडीशन बना रहे होते हैं. मिसाल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को मिला के हम लोग कंडीशन टाइप वन बना रहे होते हैं. तो इस तरह से हम आपको क्या करेंगे, टेंसेस के इस पोर्शन में हम आपको कंडीशनल्स भी सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई चीज़ यानी यू शुड बी फ्लॉलेस ना बिफोर अपेयरिंग इन द पेपर, ताकि आप में किसी कस्म की जो ना डिफिशेंसी, किसी कस्म की जो आपके कमी ना रहे, ठीक है. यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, ताकि आप कॉन्फिडेंट के साथ पेपर में अपेयर हो जाए, और यू शुड बी गेटिंग योर required marks, so that you could be a wonderful doctor in the future, right? तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, present, past, future, उसके सारे types सीखने की कोशिश करेंगे, यानी simple है, progressive है, perfect है, perfect progressive है, उसके बाद हम sentence में positive, negative, या आप इसको affirmative, interrogative, और इस तरह everything will be covered in this session. Let's move on then. उसके बाद एक चीज़ additionally मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ताकि आपको इस live session में confusion कहीं create हो जाए तो वो ना, phrases and clauses, ठीक है. Phrases and clauses, ये बहुत confusing हो जाती है. आप जब कहते हैं ना subject verb agreement, इन्हीं phrases और clauses की वजह से ही हम confuse हो रहे थे, वरना simple subject दे दें तो कोई बंदा भी इसको highlight करके या सही answer दे सकते हैं. But the thing is, they sometimes use a phrase as a subject, sometimes they use the whole clause as a subject, and that makes you confused, right? इससे क्या होता है कि हम confuse होके हमें समझ नहीं आती इसका subject क्या है, तो हम गलत verb को टिक करते हैं, एंड यू लूज योर मार्क देयर, राइट. तो मैं कोशिश करूंगा इसमें आपको फ्रेज और क्लॉजेस को भी इन डिटेल पढ़ाया जाए, जैसे नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एंड देन प्रीपोजिशनल फ्रेज. दीज थिंग्स विल बी डिस्कस इन डिटेल इन दिस सेशन. तो नॉट इन दिस सेशन, राइट, इन द सेशन इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लॉजेज एंड फ्रेजेस. फिर क्लॉजेस हमारे पास, क्लॉजेस को हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो सबको पता है. उसके अलावा हम इसमें जो है ना इसके इस्तेमाल भी सीखेंगे साथ साथ, यानी नाउन क्लॉज क्या होता है, उसके अलावा एडजेक्टिव क्लॉज क्या है. बेसिकली द क्लॉज विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ और एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लॉज. तो हम इस तरह से इन डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, वर्कशीट के साथ आपकी अच्छी से तैयारी करवाएंगे, ताकि आप बिल्कुल रेडी हो जाए फ्यूचर डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है. उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट.
एज वी ऑल नो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही मोस्टली बच्चे फंस रहे होते हैं कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है, पता नहीं चल रहा होता है. समटाइम कंपाउंड इन एंड की मदद से दो नाम मिलाए हुए तो कंपाउंड सब्जेक्ट बन रहा होता है. एंड वी नीड अ प्लुरल वर्ब देयर, बट द थिंग इज अनलेस यू नो द एग्जैक्ट रूल्स यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर दैम. तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इस सेशन में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को क्विकली बट कंप्रेहेंसिवली चीज़ों को कवर कर सकें. इसमें 26 रूल्स इंशाल्लाह वील बी ट्राइंग टू कवर अप इन दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट. उसके बाद हमारे पास है जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इस तरह चीज़ों को भी हम जरा कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे सो दैट यू कुड बी एबल टू आंसर एवरीथिंग देयर. ठीक हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. यस, अनदर इम्पॉर्टेंट एंड कन्फ्यूजिंग टॉपिक इज द कॉमन एरर्स. कॉमन एरर्स होते क्यों हैं? बेसिकली अनलेस यू हैव कमांड ऑन बेसिक ग्रामर, कॉमन एरर्स ने तो होना ही है. एंड इट इज सेड टू एरर इज ह्यूमन, ठीक है, तो हमसे गलतियाँ हो ही जाती है. तो उन एरर्स को मिनिमाइज कैसे कर सकती है? यू कैन नॉट से कि जन मेरे पर कोई एरर है ही नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल. बींग अ ह्यूमन बींग वी शुड बी हैविंग सम एरर्स, बट द थिंग इज हाउ टू मिनिमाइज यूर एरर्स. मिनिमाइज करने के लिए हम क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली इफ़ यू नो द रूल्स, एरर्स की गुंजाइश कम होती है. हम तुक्का नहीं लगा सकते, राइट. तुक्के के लिए भी कुछ ना कुछ लॉजिक होती है. तो मैं आपको इंशाल्लाह टिप्स एंड ट्रिक्स का मतलब ही ये कि आपको तुक्का लगाना सिखाएं, वरना तो आपको रूल सिखा कि आपको इस काबिल बनाए कि आप आंसर सही दे दें, राइट. वेन एवर वी टॉक अबाउट ट्रिक्स, ट्रिक्स डज मीन, या ट्रिक्स डज मीन कि जो ना, या इसको क्या कहेंगे हम लोग, यानी चालाकी सिखाना, राइट, तुक्का लगाना सिखाना. ये चीज़ें हम देखे सिखाएंगे इसमें. तो एरर के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे हम लोग, यानी किस तरह इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसको हम हाईलाइट करेंगे, राइट. रॉन्ग टेंस वर्ब फॉर्म है उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे और सिखाएंगे आपको वर्कशीट के जरिए कि ये इस तरह से इस्तेमाल होता है. तो उसके लिए हम यूं कर सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. फिर अनक्लियर प्रोनाउन है, जैसे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल समटाइम गलत कर रहे होते हैं, जैसे इट इज आई की बजाय इट इज मी इस्तेमाल कर रहे होते हैं. दिस काइंड ऑफ एरर्स आर देयर, राइट. फिर करेक्ट यूज ऑफ या इनकरेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच है देखा जाए तो. इसी पार्ट ऑफ स्पीच के गिर्द सारी चीज़ें घूम रही होती है. इफ यू हैव कमांड ऑन दीज थिंग्स देन यू आर गोइंग टू बी द किंग इन इंग्लिश पोर्शन, राइट. फिर उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, राइट. जैसे हमने कहा कि रॉन्ग और मिसिंग प्रीपोजिशंस यहाँ पे आना चाहिए था, जहाँ पे नहीं आया है, और जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ पे आया हुआ है, जुमले में इस तरह से दिया हुआ होगा. मिसाल के तौर पर ऑनेस्टी है एक वर्ड, उससे पहले द लगाया हुआ होगा, फिर आपसे कहा जाए कि इसमें एरर ढूंढें. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसको हमें आपको इन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए यू हैव टू बी स्टे ट्यून विद मकसद है, और आप इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह वील बी ट्राइंग टू हेल्प यू आउट. आगे बढ़ते हैं. फिर कहते हैं रीडिंग कंप्रेंशन, दैट इज़ बेसिकली द लास्ट पोर्शन. रीडिंग कंप्रेंशन जिसमें आपको एक छोटा सा पैसेज, ये आपकी बुक से भी हो सकते हैं और बाहर से भी हो सकते, अनसीन भी हो सकते और सीन भी हो सकते इन अ सेंस. तो उसको कैसे समझा जाए एक रीडिंग कंप्रेंशन पे हम फुली आपको इंशाल्लाह एक प्रोसेशन करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको स्कैनिंग किस तरह करते हैं, स्किमिंग किस तरह करते हैं, गेस किस तरह करना होता है. एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन डिटेल विथ प्रैक्टिस विथ वर्कशीट्स, एंड इन दिस वे वील बी ट्राइंग टू हेल्प यू आउट टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन विथ विच यू विल बी गोइंग टू द पेपर्स विथ कॉन्फिडेंस, राइट. तो हम इस पे भी काम करेंगे, राइट, इन द अपकमिंग सेशंस. अब देखें, जैसे मैंने कहा कि आप आने वाले सेशन क्या है, चूंकि टुडे इज एन ओवरव्यू, तो आने वाले सेशन में क्या कुछ हो सकता है. तो मैंने कहा कि सेशन नंबर 2 हमारा पूरा वोकैबुलरी पे होगा. हर हवाले से वोकैबुलरी को कवर करेंगे और फुल फ्लेज आपको वोकैबुलरी कैसे हल करना है सिखाएंगे भी, आपको आपसे करवाएंगे भी लाइव, राइट, यानी वर्कशीट आपको देंगे. और आप हो सकता है इफ़ यू आर कमिंग इन द नेक्स्ट सेशन तो आपको होमवर्क भी मिल जाए. इस तरह से आपकी ठीक ठाक प्रिपरेशन हम करवाएंगे, राइट. इन द थर्ड सेशन वी विल बी डीलिंग विद प्रीपोजिशंस, उसमें हम टाइम मोमेंट एंड प्लेस तीनों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. देन इन द फोर्थ सेशन एज यू नो दैट आर्टिकल विल बी डिस्कस, आर्टिकल 3 जो हमारे पास है उसको हम यूज़ करेंगे. देन वी हैव गॉट पंक्चुएशन, मार्क्स, टेंसेस. इन द अपकमिंग सेशन एज आई सेड कि ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने लगे हैं, तो हमारे पास 10 सेशन होंगे जो आपके टॉपिक्स से रिलेटेड होंगे, राइट. We'll be dealing with phrases and clauses, and we have got subject verb agreement, how to get rid of common mistakes, and reading comprehension. इस तरह करके हम सारे sessions week में एक दफ़ा मैं आपके साथ हूँगा एक session के साथ, तो उसमें हम हर topic को in detail पढ़ के हम कोशिश करेंगे कि English के जो 18 marks है वो आपके कहीं ना जाए, right? It's easy. English के हवाले से tension लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि English जो है एक common use करने वाली language है. आप इंग्लिश को इतना हवा ना बनाए इन सेंस, या सर पे सवार ना करें, क्योंकि आप सारे अंग्रेजी बोलते हैं. ये कहा जाता है कि सीखने के हवाले से क्या चीज़ इजी है, तो कहते हैं जो आपके इर्द गिर्द में अवेलेबल हो बहुत ज़्यादा मकदार में,
वो सीखने के हवाले से बहुत ईजी है। अगर इस दौर में आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, यानी यू कैन नॉट इवन यूज़ योर मोबाइल। तो इंग्लिश की रिगत हम घूम रहे होती है, हमारी रिगत इंग्लिश घूम रही होती है। सो वी हैव टू बी एक्सपर्ट इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो लेट्स मूव ऑन। फिर कहते हैं, और लास्ट फ्यू सेशन में हम क्या करने वाले हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हम पास पेपर सॉल्व करने लगे हैं इन द लास्ट फ्यू सेशंस, ठीक है। सेशन नंबर 11 में हम क्या करेंगे, UHS की जो पास पेपर को हम इन डिटेल कोशिश करेंगे कि एक दो पेपर्स हो, नहीं तो एक पेपर हम ज़रूर हल करेंगे और आपसे भी साथ साथ क्या कहते हैं उसको हल करवाएंगे और मिल के हल करेंगे इन अ सेंस, ताकि आपको आइडिया हो कि एक क्वेश्चन अगर आया हुआ तो उसको कैसे हल करना है, राइट। इन द 12th सेशन वील बी गोइंग फॉर पास पेपर ऑफ डाव यूनिवर्सिटी, देन इन द 13th सेशन वील बी गोइंग फॉर बोलोन यूनिवर्सिटी फॉर द पास पेपर, फिर ETK है, उसके बाद हम ZEBIS के पास पेपर्स को हल करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब आते हैं उसके बाद ये जो लास्ट सेशन है जिसमें मैं आपको जनरल एक्टिव देने चाह रहा हूँ, ठीक है। एक हायरार्की ऑफ लैंग्वेज होती है, यानी अगर आप इस पूरे इंग्लिश पोर्शन को देखें तो आपके ग्रामर ही पूछा जा रहा है, चाहे आपकी बुक से आ जाए या आपके आउट ऑफ बुक्स आ जाए या आउट ऑफ कोर्स आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो बेसिकली पूछा क्या जा रहा है जो हमने ऊपर देखा, तो उसमें हमें ये पता चला कि हमारे पास बेसिकली पूछा जा रहा है कि आप ग्रामर में कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में आप कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक हायरार्की ऑफ लैंग्वेज के नाम से एक टॉपिक यहाँ पर रखा है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इंग्लिश स्टार्ट कैसे होती है या कोई भी लैंग्वेज, बट टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश में बेसिकली क्या है, हमारे पास साउंड्स हैं, तो साउंड्स इंग्लिश में टोटल कितने हैं, 44 है, ठीक। अब हम 44 साउंड को डिवाइड करते हैं तो फिर क्या क्या आ सकता है, 20 हमारे पास वॉवल साउंड्स हैं और 24 हमारे पास कंसोनेंट साउंड्स हैं। अगर आपको ये साउंड्स क्लियर है तो जो क्या कि जो साउंड के अतबार से जितने जो होमोनिम्स है या होमोफोन्स है, इस तरह की चीज़ों में आप फंसेंगे ही नहीं, ठीक हो गया। एक वर्ड है उसमें आपको साउंड किस तरह से करना है, उस हवाले से आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होगी। अब साउंड जब आपको समझ में आ गया तो उसी साउंड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, लेटर्स। जैसे ए है हमारे पास, उसी ए को हम आ भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। तो अब साउंड क्लियर है तो फिर आप लेटर पे आ जाएंगे। जैसे मैंने एरो बनाया हुआ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट। दिस इज बेसिक द हायरार्की ऑफ द लैंग्वेज। फिर आप साउंड्स क्लियर है तो फिर आप लेटर पे आएंगे। एज यू नो लेटर कितने हैं, 20, इंग्लिश में 26 लेटर्स हमारे पास। जब लेटर्स को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता होता है, सिलेबल्स बनते होते हैं, राइट। सिलेबल्स मीन्स हिज्जे, अगर उर्दू में कहना चाहें तो हिज्जे बनाते हैं हम लोग। उन हिज्जों की मदद से हम लफ्ज़ बना रहे होते हैं, ठीक है ना। बहुत ईजी है, बेसिकली हिज्जे बनाते हैं। मोनोसिलेबिक वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे पेन है हमारे पास, डायसिलेबिक वर्ड होते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास टुडे है, और ट्राई हो सकते हैं यस्टरडे, इस तरह देयर आर लॉट्स ऑफ। तो हम सिलेबल्स से हम क्या बना रहे होते हैं, वर्ड बना रहे होते हैं। जब वर्ड बनता है बेसिकली, फिर वहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। हमारे पास एक वर्ड बनता है तो उस वर्ड को हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे एंगल से उस वर्ड को देख रहे होते हैं, जिसको हम लोग क्लास ऑफ वर्ड्स, कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक वर्ड आपके पास है पेन, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पेन है ये नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इसके क्लास बताएं या इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताएं। फिर वही पेन जुमले में किस तरह इस्तेमाल हुआ ये पूछा जाएगा ना। अगर मैं आपसे कहूँ पेन बॉक्स, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट बॉक्स। उस बॉक्स को पहचाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, पेन, तो पेन एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो गया। इस तरह से आपको कन्फ्यूज करते हैं इन्हीं लफ्ज़ों की मदद से, राइट। सो वर्ड्स आ गए, वर्ड्स के फौरन बाद जब हम वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता होता है, फ्रेज, ठीक हो गया। तो फ्रेजेज जब आपस में मिलते हैं, फ्रेजेज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट सेंस और इनकम्प्लीट मीनिंग। तो जब हम इस तरह से फ्रेजेस पे आते हैं तो फ्रेजेस को जब आपस में मिलाएं तो क्या बनता होता है, क्लॉजेस बन रहे होते हैं। क्लॉज का मतलब यानी जिस अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज अ सब्जेक्ट एंड इट्स ऑन प्रेडिकेट, दैट इज कॉल्ड अ क्लॉज। तो हमारे पास क्लॉजेज आते हैं, क्लॉज के एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं तो दैट बिकम्स अ स्मॉल अपने भी सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब हम बहुत सारे क्लॉजेस, देयर कम्स कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। तो हम फ्रेजेस की फौरन बात क्या आ रहा है, क्लॉज आ रहा है। क्लॉजेस को जब मिलाएंगे तो लॉन्गर सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है ना। और वही लॉन्गर सेंटेंसेस जब हम मिलाते हैं तो पैराग्राफ्स बनते होते हैं। उन्हीं पैराग्राफ्स को अगर हम जोड़ें तो फिर एसेज बनते होते हैं। उन्हीं एसेज को अगर हम कहीं जोड़ दें तो चैप्टर्स, एंड उन चैप्टर्स को कहीं कलेक्ट करके कंपाइल करें तो बुक्स बनते होते हैं। उसको उल्टा करें आपके लिए आसानी होगी, राइट। बुक्स में क्या है, चैप्टर्स है, चैप्टर्स में एसेज, एसेज में पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स में सेंटेंसेस। इस तरह से करके आप ऊपर चले जाएं तो आप दोबारा कहाँ पहुँचेंगे, साउंड पहुँचेंगे। सो इफ़ यू नो दिस हायरार्की, फिर आपके लिए इंग्लिश समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं रहेगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील
विथ द इंग्लिश हियर विथ मकसद, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो ऊपर आ जाते हैं, अब ज़रा रिकैप कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है, ताकि आपको जो हमने नीचे चीज़ें देखी थी उसको ज़रा कवर अप कर सकें। अब पहली चीज़ क्या हो गई, कंप्रहेंड की विकेबलरी, जिस एरिया में आपको जज करना था उसमें कंप्रहेंड की विकेबलरी का हुआ था, तो हम विकेबलरी को फुली ऑली सॉली डिस्कस करने लगे हैं एक अलग प्रॉपर सेशन में, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। दूसरी चीज़ हमें पता चला कि टेंसिस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो हम टेंसिस पे पूरा एक अलग सेशन करने वाले हैं। थर्ड थिंग क्या था हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग कन्वेंशन ऑफ यानी स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन पे पूरा अलग सेशन हो रहा है आपके लिए यहाँ पर इन द अपकमिंग सेशंस, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक भी कवर हो रहा है। फोर्थ में क्या कहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उस पर पूरा अलग से सेशन है हमारे पास, तो उसमें आपका ये मसला भी हल होने लगा है। आर्टिकल और प्रीपोजिशन के लिए अलग अलग सेशन रखा है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस तरह से आपके पास हर ये चार चीज़ें कवर हो गई। फिफ्थ में क्या कह रहा है, डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी ऑफ या टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन द सेंटेंसेस, तो कॉमन एरर्स की बात आ रही थी, तो वो हमने कॉमन एरर्स के लिए अलग से सेशन रखा है, तो वो कवर होने लगे हैं। एंड इन द सिक्स सेशन यू हैव गॉट द रीडिंग कम्प्रहेंशन टॉपिक, उसके लिए अलग सेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मकसद से जुड़े रहेंगे तो आपका मकसद पूरा होगा। तो उम्मीद है कि आपको पूरा सेशन समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन सिंपली आस्क मी। और साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज लाइव जिन्हें फॉलो कर सकते हैं, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को भी, सो दैट यू कुड बी गेटिंग एवरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम, ताकि आप किसी भी चीज़ को मिस ना करें, राइट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन नाउ थ्रो, अदरवाइज थिंग्स हैव बीन कवर्ड हियर। तो साथ में हम जरा एक भी देख लेते हैं कि जो ना, अगर आपको लाइव सेशन के साथ साथ बंडल के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, ओवरऑल वट एवर इफ यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन आस्क हियर। So if you want any question, you can simply go for asking now. Well, किसी भी आपसे कोई confusion हो, so you can ask. Okay जी, तो इसमें एक और चीज़ साथ साथ बता दूँ, अगर इसमें कोई चीज़ कवर नहीं हुई तो हम उसको भी आपके किसी सेशन में जो ना डाल के होली सोली होली सोली चीज़ें कवर करेंगे। वैसे तो सब कुछ इसमें कवर्ड है, एज आई सेट के जो ना मैंने आपको मेंशन करके बताया कि एवरी टॉपिक हैज़ बीन ऑलरेडी कवर्ड, ये बिल्कुल डिटेल में बड़े तवज्जो के साथ चीज़ें बनाई हुई, सो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। अगर एक चीज़ और साथ साथ बताएं कि चूंकि ये ग्रामर है, तो बुक की रिकमेंडेशन का अगर आप किसी के में सवाल आ रहे हैं तो यू कैन रीड फ्रॉम एनीवेयर, ग्रामर है कहीं से भी पढ़ लें, ठीक है ना। आप सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट अगर आप 3 क्लास की बुक में पढ़ेंगे तभी वही रूल मिलेगा, अगर आप PhD लेवल की कोई बुक देख रहे हैं यू विल अगेन फाइंड द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस देयर, सो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट द थिंग्स। हाँ, एज फॉर एज द वोकैबुलरी इज कंसर्न, आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, उस तो आपको फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बंडल यहाँ पर बनाया हुआ है, हर वोकैबुलरी को वीडियो के साथ इन डिटेल बना के शेयर किया हुआ है, सो यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ बुक हियर, तक आपकी हर चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर चुके हुए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर MDKAT English portion, ये बिल्कुल छोटा सा portion है, so you don't need any kind of tension being taken, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि थिंग्स आर क्लियर, चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओके, वी हैव गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद रशीद अख्तर साहब, ठीक है ना, ही इज़ आस्किंग डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन प्लीज के क्या होता है। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। बेसिकली देखें, हम इस पे अलग से सेशन करने लगे हैं, फिर भी लेट्स गो टू दैट पोर्शन। ओके, इफ यू कुड सी ऑन द स्क्रीन, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कैसे कहते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है जो चीज़ फिक्स हो, कंफर्म हो, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कल आप आ रहे हो, डेफिनेटली यार, इसका मतलब क्या है कि आप कन्फर्म करें कि यू आर कमिंग, तो उसको कहते हैं डेफिनेट। इस तरह से इनडेफिनेट का मतलब व्हेन यू आर नॉट श्योर, ठीक है, उधर कुछ भी आ सकता है। इस तरह से आर्टिकल को इधर डिवाइड किया हुआ है डेफिनेट और इनडेफिनेट में। इनडेफिनेट का मतलब है कि when you are not sure, उसमें आ और एन है, और definite article means the है। अब हमारे पास the मखसूस चीज़ों के साथ इस्तेमाल होती है, मतलब जो फिक्स है यानी कन्फर्म है कि इनके साथ आना है, the को हम मजीद आगे पीछे नहीं कर सकते होते, इसलिए इसको definite article कहते हैं। और जो आ और एन है वो हर चीज़ के साथ आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहूँ तो, जैसे ये पेन है मेरे पास, ठीक है, इट इज़ अ पेन, ठीक है, सिंपली अ पेन, इट इज़ अ पेन। अगर इसी पेन को हम दोबारा रेफर करेंगे तो अभी मखसूस हो चुका है, फिक्स हो गया है कि मैं इस पेन की ही बात करूँ, तो ये डेफिनेट हो गया हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा, ब्रिंग द पेन विच आई यूज़ नॉर्मली, यानी मैं जिस पेन को इस्तेमाल करता हूँ उसको लेके आ। तो इस तरह से डेफिनेट इनडेफिनेट का डिफरेंस ये है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, इफ नॉट देन वी कैन गो फॉर एक्सप्लेनिंग इट फर्दर मोर, राइट।
तो इसको इन डिटेल एग्जांपल के साथ आपको समझाने वाले हैं। यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। जैसे मैं अगर आपको आ और एन को जनरली हल्का से यहाँ पे, चूंकि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तब तक आ और एन को हल्का सा समझा देते हैं। बेसिकली ये वोवेल साउंड्स के साथ आते हैं। वोवेल साउंड क्या है, आसान उर्दू में समझा दूँ तो आ, ई और ऊ की आवाज़। किसी भी लफ्ज़ को पढ़ने में, यानी एक नाउन और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और साथ बता दूँ, अगर आपको कभी भी आर्टिकल आया हुआ है तो कन्फर्म है कि उस अगला वर्ड जो है ना, यानी जो किसी नाउन के साथ ही आ सकता है। आर्टिकल किसी भी जुमले में जब भी आए तो आर्टिकल नाउन के साथ ही आएगा। तो आप देखेंगे, जैसे मिसाल तौर पर मैं यहाँ पर पेन लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब बिग लिख देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर डैश दिया हुआ है, अब इसमें क्या आना चाहिए, आ ई ऊ के साउंड के साथ आता है। दूसरी चीज़ ये कब आता है, जब आपने एक कहना हो, एक पेन, एक बुक, इस तरह एक कहना हो तब आ ई ऊ की आवाज़ आ जाए, तो आपने एन पुट करना है। जैसे आप यहाँ पर पेन के साथ आ ई ऊ की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उससे बिफोर जो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमें और एन को पुट करना है। जैसे आ बिग पेन, इस तरह से। तो फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो फिर बेसिकली इफ़ यू वांट टू हैव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, हम इसको क्या करेंगे, इन डिटेल हम पूरे पोर्शन में पढ़ेंगे। बट द थिंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिपेंड्स ऑन इट, ठीक है ना। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे मोस्टली, ठीक है ना। इफ़ यू आर सेइंग पर्टिकुलराइज करके, मिसाल के तौर पर द टेंशन विच took his life, क्योंकि हम इस तरह से वो खास महसूस करें, तो फिर उस वक्त हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन अ सेंस इट डिपेंड्स ऑन द वे यू आर टॉकिंग, ठीक है। आप जुमले में किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। मोस्टली जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका कर सकते हैं कि नहीं, इस्तेमाल हो सकते हैं कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन को हम जब जुमले में देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी कैन गो फॉर एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है। इसका कन्फ्यूजन अगर रहता है तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको इन डिटेल इस पूरे चैप्टर में भी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द आर्टिकल पोर्शन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे अगर आप कहें फियर कहें, ठीक है ना, अगर इसको हम लोग समटाइम, मैंने इसलिए कहा कि इस्तेमाल कर सकते हैं मिसाल के तौर पर, पर्सनिफाई करते हैं समटाइम, मिसाल के तौर पर हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को पर्सनिफाई करके मिसाल के तौर पर किसी की रूह की बात करें, सो हिज सोल, या अब इस बात इस सोल को हम पर्सनिफाई करके एक ह्यूमन बींग के तौर पर पेश करें, तो फिर हम उसको कहते हैं द सोल इज़ रनिंग अवे फ्रॉम हिज बॉडी, क्योंकि हम इस तरह के हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम लोग आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अ पर्टिकुलर मीनिंग टू इट, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर, इफ नॉट देन इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग इट विद द एग्जाम्पल्स एंड विद वर्कशीट इन द आर्टिकल सेशन, जो कि हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं इन द अपकमिंग सेशंस, ठीक है। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर, और कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इफ नॉट, आप हमारे फेसबुक चैनल को भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यू कुड बी गेटिंग दीज काइंड ऑफ लेक्चर्स टाइम टू टाइम। तो एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। इफ नॉट देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन। ओके राइट, सो दिस इज हाउ वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग हियर। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो हायरार्की की बात मैंने पहले की, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अभी भी कर सकते हैं, इफ नॉट देन वी आर गोइंग टू नाउ साइन ऑफ। ओके राइट, इफ नॉट देन वी आर गोइंग टू क्लोज इट नाउ। सो लेट्स सी, आई डोंट थिंक यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, और डू यू हैव? आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, इफ नॉट देन वी आर गोइंग टू साइन ऑफ। Okay, that's it then. I hope that things are clear to you. Inshallah, in the upcoming session, yani next session, we have the topic discuss karne lage hain, wo hai vocabulary. Aap log agar live honge, to inshallah, hum log detail mein how to solve the vocabulary pe baat karenge, aur how to use all those tips and tricks pe baat karenge. In detail, hum discuss karenge. To inshallah, I hope ki jo hai na, things will be easy and clear for you. So, umeed hai ki aapko cheeze aaj ke lecture, I hope, in detail or description ke saath comprehensive, I hope, samajh mein aa gaya hoga. Inshallah, aapse milaqat hoti hai in the next session with vocabulary. Stay tuned. Take care. Allah Hafiz.